शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम मुरैना जिला के प्रसिद्ध और अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय पर यह फिल्म का दूसरा भाग दिखाने जा रहे हैं। बिस्मिल संग्रहालय की पहले भाग की फिल्म आप पहले देख चुके हैं, यह बिस्मिल संग्रहालय की फिल्म का दूसरा भाग है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो बहुत प्रसिद्ध शेर था वो हम आपको पिछली फिल्म में सुना भी चुके हैं। देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखा गया ये पूरा उच्चारण हम फिल्म के पहले भाग में आपको दिखा चुके हैं। अब ये जो राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय है मुरैना शहर के बीचों बीच में है और मुख्य सड़क पर है, इसलिए यहाँ पर पहुँचने की सुविधा और यहाँ पर मतलब सब तरह से, चाहे रेलवे से और चाहे सड़क मार्ग से, कहीं से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। और इन शहर के बीचों बीच बहुत ही भव्य और आलीशान ये भवन बना हुआ है। समक्षी जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा ये दिखाई दे रही, मंदिर दिखाई दे रहा उनका। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का यही निकट में गांव है, रूअर बरवाई के नाम से प्रसिद्ध है, अम्बा तहसील में है। बरवाई गांव के वो रहने वाले थे, तोमर क्षत्रिय थे। तोमर क्षत्रिय, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तोमर क्षत्रिय थे, और उन्होंने उस समय के हालातों का भी उसमें पूरा वर्णन किया है। और शुरू में जो अशफाक उल्ला खां से वो नफरत करते थे, लेकिन अपनी जीवनी के अंतिम भाग में, अपनी आत्मकथा के अंतिम भाग में उन्होंने लिखा है कि मेरे सगे भाई से बढ़कर भी साबित हुआ अशफाक उल्ला खां, जिससे मैं नफरत करता था उसके धर्म के कारण। लेकिन जब वक्त आया, जब वक्त ने सब परीक्षाएं ली, सब इम्तहानों की घड़ियों से हम गुजरे, तो पता चला कि अशफाक उल्ला खां तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर निकला। और आज मैं गर्व से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अशफाक उल्ला खां मेरा सगे भाई से बढ़कर था। खैर, ये तो एक हल्का सा परिचय हुआ इस बिस्मिल संग्रहालय का। अब बिस्मिल संग्रहालय की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे ही हम इसमें दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो सामने ही कारगिल का एक मॉडल बना हुआ है, और इस कारगिल के मॉडल पर भारत तिरंगा फहराते हुए भारत के वीर सपूत नौजवान, जिनका संबंध चंबल से है, और चंबल में कारगिल के कई गांवों में पार्क बने हैं शहीदों के, जिसमें से एक पार्क हमारे गांव में भी है, हमारे भतीजे का है, वो भी कारगिल का शहीद है। तो उसका चबूतरा वहाँ बना हुआ है, और मेरे गांव में ही हमारे भतीजे का कारगिल के अमर शहीद पार्क के नाम से उसका पार्क बना हुआ है। तो कारगिल का ये मॉडल इसमें संग्रहालय में प्रवेश करते ही नज़र आता है, जिसमें कारगिल की चोटी पर ये हमारे चंबल के, हमारे भारत के नौजवान वीर तिरंगा लहरा रहे हैं। ये भवन 3 मंजिला है,
तीन मंजिल तो जिसमें यहाँ का जो पूरा विरासत है, धरोहर है, संपदा है, उसको सबको एक एक छलक दिखाया गया है, जिसको आप इस फिल्म में क्रमशः देखते जाएंगे। तो जैसे ही हम इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम तो कुछ नहीं, एक छोटा सा बोर्ड लगा है, तो उसमें कौन VIP इसमें दर्शन करने आया या इसको देखने आया संग्रहालय को, उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। फिर इस मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद में फिर पहली गैलरी शुरू होती है, यानी प्रथम तल की जो गैलरी है वो शुरू होती है। तो वहाँ कई द्रष्टव्य ऐसी दुर्लभ, ऐसी कि मतलब आप अंदाज ही नहीं लगा सकते कि चंबल का इतिहास, चंबल की विरासत कितनी गहरी, कितनी महत्वपूर्ण है। इस भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, तो आपको इस बिस्मिल संग्रहालय को अवश्य ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का संग्रहालय है। भारत अर्थात पांडव राजवंश का संग्रहालय है, जिसे बार बार भगवान श्री कृष्ण ने हे भारत कहा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा, 18 पुराणों में जिसको तोमर राजवंश को भारत कहा गया है, पांडव राजवंश को। और तो ये भारत का संग्रहालय है, और इसमें त्रेता युग से लेकर के, त्रेता कालीन चिन्हों निशानियों से लेकर के द्वापर, द्वापर का तो खैर ये चूंकि महाभारत की साइट है, पूरा महाभारत का ये क्षेत्र है, और ब्रज 84 क्षेत्र में भी इसकी गणना है। ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा बोली जाती है, तो ये ब्रज 84 क्षेत्र में भी आता है। तो ब्रज 84 में भी होने के कारण, और दूसरे चूंकि मुख्य रूप से ये महाभारत की साइट है, इसका पूरा का पूरा संबंध है, इसका ग्वालियर चंबल का वो महाभारत से है, तो उसकी तमाम विरासत धरोहरें प्रतिमाएं यहाँ संजोई गई हैं, कुछ चित्रों के रूप में, कुछ पाषाण मूर्तियों के रूप में है, बहुत कुछ है। तो आपको चंबल की पूरी एक झलक यहाँ इस संग्रहालय में इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो इसमें आप जो है महाराजा शांतनु, उनका राज्य साम्राज्य, दुष्यंत, शकुंतला और भीष्म पितामह, देवव्रत जिनका नाम था, और महारानी सत्यवती के साथ नौका विहार का भी, उसके आगे चल करके भरत का जो जन्म हुआ है, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, जो कि सिंहों के साथ खेला करते थे, जिनका बचपन ही सिंहों के साथ खेलने में गुजरा, उनका ये जन्म स्थल है, उनकी ये जन्म स्थली है। तो उन्हीं महाराजा भरत के नाम पर इस भारत देश, इस देश का नाम भारत पड़ा है। उन भरत का जहाँ जहाँ साम्राज्य रहा, जितनी भूमि पर उन्होंने राज्य किया, उतनी भूमि भरतवर्ष कहलाई, भारतवर्ष कहलाई, और उनके जो वंशज हुए उनको भारत कहा गया, भरतवंशी कहा गया। इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें सभी में इसीलिए तोमर राजवंश को बार बार भारत कह के पुकारा गया है, क्योंकि उन्हीं महाराजा भरत जिनका जन्म यहाँ चंबल में हुआ। महाराजा शांतनु का जो वो है राज्य था, यहाँ पर एक जगह है गुढ़ा चंबल, गुढ़े के नाम से प्रसिद्ध है वो, वहाँ पर उनका साम्राज्य रहा। वहीं पर चंबल नदी जो बहती थी, जो हमारे जिला पुरातत्व अधिकारी और संग्रहालय अधीक्षक श्री अशोक शर्मा जी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अब वो 200-300 मीटर नीचे खिसक गई है चंबल। यानी पहले चंबल बहुत विशाल थी, इसलिए इतने विशाल चंबल के भर के
नजर आते हैं, जिनको लोग चंबल के बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो चंबल अब 200-300 मीटर खिसक चुकी है, यानी उथली हो चुकी है, भराव आ चुका है। और अब तो खैर पता नहीं किस उसने ये ऑर्डर कर दिया है, पता नहीं कौन हाई कोर्ट का वो जज रहा होगा, कि उसमें से रेत का उत्खनन बंद करा दिया गया है। तो लिहाजा ये तो स्पष्ट है कि चंबल उथली होती जाएगी और उसमें गाद भरती जाएगी, यानी सिल्ट जमा होती जाएगी। एट लास्ट जिस तरह से सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ वर्ष के बाद, बहुत से बहुत 30 वर्ष के बाद, 40 के बाद चंबल नदी विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि सिल्ट जब तक निकलती रहती है, गहराई जब तक नदी की बनी रहती है, तब तक नदी की पानी की धार पाताल के पानी की धार से जुड़ी रहती है, यानी कि नदी की पानी, नदी जितनी गहरी होती है उसका संबंध उतना जमीन के नीचे के पानी से जुड़ता है, और उस नदी में पानी यथा बना रहता, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया है और उसमें से रेत को निकालना, यानी कि पानी, नदी के पानी के लेवल को पाताल के पानी के जुड़ाव से ख़त्म कर दिया गया। तो सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है हमारे देश से, तो बहुत दूर, वो दिन दूर नहीं जब चंबल और कुछ और आसपास की नदियां जहां से रेतों का उत्खनन बंद करवा दिया गया है, नदियां उथली होती चली जा रही हैं, उनमें गाद और सिल्ट भरती चली जा रही है, वो भी कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएंगी, उनके केवल नाम ही नाम रह जाएंगे। तो हम इसमें जैसे ही विस्मिल संग्रहालय में आगे बढ़ते जाते हैं, तो बहुत चंबल के दुर्गम स्थानों से, दुर्लभ गांवों से, यहाँ पर प्रस्तर खंड हैं, प्रतिमाएं हैं, जो ला करके हमारे जो जिला पुरातत्व अधिकारी हैं, संग्रहालय के अधीक्षक हैं, और उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, परिश्रम से संग्रहालय को एक एक इंच तैयार किया। संग्रहालय भवन से नहीं बनता, भवन की भव्यताओं से संग्रहालय नहीं बना करते, संग्रहालय बनते हैं वहाँ जो विरासत, धरोहर और जो इतिहास दर्शाया जाता है, संग्रहालय का निर्माण उससे होता है, उस चीज़ से होता है कि वहाँ मौजूद क्या है। कोई बिल्डिंग संग्रहालय नहीं कही जाती, भवन संग्रहालय नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ जो विरासत है, यहाँ जो धरोहर है, ये जो संपदा है, ये चंबल की पूरी झलक आपको यहाँ प्रस्तुत करती, दिखाती है। हम आपको पूरा संग्रहालय दिखाने जा रहे हैं, सभी कोनों से, एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऊपर से नीचे तक, और तीनों तल हम इसमें आपको संग्रहालय के दिखाएंगे। हर चीज पर हमने रिकॉर्डिंग की है, ये वीडियो चलेगा, और आप इस संग्रहालय को स्वयं ही देखेंगे भी। इसके साथ ही संग्रहालय के अधीक्षक श्री अशोक शर्मा जी, जो कि जिला पुरातत्व अधिकारी भी हैं, उनका आप यहाँ पे एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू भी सुनेंगे, इस संग्रहालय का परिचय जानेंगे, और बीच बीच में हम आपको कुछ बताते भी जाएंगे इस संग्रहालय के बारे में। चूंकि ये देखने योग्य चीज़ ज़्यादा है, तो जहाँ बताने की कुछ आवश्यकता होगी, वहाँ बीच बीच में हम कुछ आपको बताते चले जाएं। तो सबसे पहले तो आप ये पहले ये देख लीजिए कि गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये मुरैना जिला में प्राप्त हुई है, और गणेश जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं। तो मजाक मजाक में कभी कभी कहा जाता है कि एक बार गणेश जी का भक्त जो है नाव लेके जा रहा था तो डूब रहा था, उसने पुकार लगाई, गणेश जी बचाओ बचाओ, 50 आदमी नाव पे हैं और नाव डूब रही है। तो गणेश जी को पुकारा तो गणेश जी आके उस पर डांस करने लगे, नृत्य करने लगे।
बोले कि भगवान ये क्या कर रहे हो, ऐसा करोगे तो ये नाव तो वैसे बहुत देर में डूबती, लेकिन अब जी तो आप तो तुरंत ही डूबे देते हो। तो गणेश जी हंस के बोले, बेटा गणपति बप्पा मोरिया कर करके तुम हमको डुबो के आते हो हर बार, और बड़े आनंद से डुबो डुबो के आते हो, तो आज तुम्हारी एक नाव डूब रही है तो चिल्ला रहे हो। खैर वो तो एक व्यंग है, कथा है, गप है, एक मजाक है जो यहाँ लोग अक्सर आपस में करते हैं। लेकिन ये नृत्य करती हुई गणेश की प्रतिमा एक दुर्लभ प्रतिमा है और अद्भुत और अनोखी प्रतिमा है। भारत के मंदिरों में आपको नृत्य करते हुए गणेश ये यहीं देखने को मिलेंगे। तो ये वो प्रतिमा है। इसके बाद आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एक अवलोकन करते हैं। फिल्म का शेष भाग जो है हम आपको बिस्मिल संग्रहालय की अगली फिल्म यानी कि भाग 3, बिस्मिल संग्रहालय भाग 3 में दिखाएंगे, क्योंकि ये फिल्म चूंकि बहुत लंबी है, बहुत विस्तार से बनी है, HD शूट है, तो इसको आपको कई भागों में देखना पड़ेगा। तो आप इस भाग में जितना देख सकते हैं ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रथम तल का पूरा प्रथम गैलरी का जो वो है वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आप देखिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जहाँ बीच में कुछ बताने की आवश्यकता होगी वो हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे, और इसमें आप उनसे भी मिल सकेंगे, उनका साक्षात्कार और इंटरव्यू सुन सकेंगे, श्री अशोक शर्मा जी का, पूरा जिला पुरातत्व अधिकारी हैं और वही संग्रहालय के अधीक्षक हैं। और संयोग की बात यह है कि उनकी रुचि, लगन, परिश्रम और जो निष्ठा जो है ना, भारत के प्रति पूर्णतः समर्पित है, और भारत उनके लिए कोई भूखंड नहीं है, कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, कोई देश नहीं है, एक राष्ट्र पुरुष है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और सुषमा स्वराज जी ने उसको, वो स्मृति ईरानी जी ने संसद में उसका पूरा व्याख्यान दिया था और पूरा उल्लेख किया था। वो फिल्म हम आपको ब्रॉडकास्ट में दिखा चुके हैं, जो स्मृति ईरानी जी ने कहा, अटल जी ने कहा। तो उनकी जो निष्ठा है वो भारत के प्रति है, भारत एक राष्ट्र पुरुष के प्रति है। तो उनकी निष्ठा, उनका लगाव, उनकी चाहत और उनका जो परिश्रम है वो स्वतः ही आपको इस संग्रहालय में कोने कोने में नजर आएगा। वैसे तो हर प्रतिमा पर टैग लगाया गया है कि प्रतिमा का नाम क्या है, किस जगह से प्राप्त हुई है, लेकिन चूंकि स्कूली बच्चे वगैरह यहाँ इनको देखने आते हैं तो कभी कभी कुछ प्रतिमाओं से टैग उखाड़ दिए गए हैं, बच्चे शरारत करते हैं फिर भी। और यह है कि पूरे संग्रहालय में कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, जिनका नियंत्रण कक्ष संग्रहालय अधीक्षक के कमरे में है, और चप्पे चप्पे पर संग्रहालय में उन कैमरों के जरिए नजर रखी जाती है। तो अब आप इस संग्रहालय को देखें, शेष बचा हुआ भाग हम फिल्म के तीसरे भाग में दिखाएंगे और बाकी का सब आगे के भागों में दिखाया जाएगा। तो आप इस फिल्म को देखिए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।